मुफ्ती जिंदाबाद, महबूबा मुफ्ती जिंदाबाद, हुसैन शरा जिंदाबाद, सिंह जिंदाबाद, एकर मुराद सिंह जिंदाबाद। कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। महबूबा मुफ्ती कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। डीडीसी निशरा जिंदाबाद। मैं वार्ड नंबर 6 राजपुर कुमिल्ला पंचायत से हूँ, ब्लॉक किलादराल से। हमारी सबसे पहले जो मैंने डॉक्टर साहब के पास ये बात रखी है वो है जो रोड हमारी राजपुर टू कुमिल्ला कोट आ रही है उसकी हालात देखी जाए कि जो अगर इसी हालात में अगर वो रही तो इस बरसात में वो गाड़ी के काबिल नहीं रही, बल्कि वो खचरों के लिए भी नहीं रहेगी। जितनी उनकी नाली बननी थी, 2 बार उनका जो है वो पैसा आया, उन्होंने अपने हिसाब से ही जहाँ जहाँ करवाया, बाकी नाली बंद पड़ी हुई है, वो पूरा पानी रोड पे जा रहा है। और रास्ते में 2-4 ऐसे ज़मींदार लोग हैं जिनको बहुत भारी नुकसान हो रहा है उस पानी का, पूरा पानी रोड में होते हुए वो बहकर ज़मीन में जाता है, और इतनी परेशानी है। मैंने 3-4 बार डी साहब के पास भी गया, उन्होंने मुझे ये यकीन दिलाया था कि हम रास्ते में 1-2 जगह में बताई थी वहाँ पुली डालेंगे, अब तक कोई वहाँ तक को पुली का नहीं इंतज़ाम नहीं किया। पैपें भी हमारे पास पड़ी हुई हैं, खाली वहाँ पुली डालनी थी रोड में, तो वो हमारी ये बात नहीं सुनी गई। मैंने जनाब डॉक्टर साहब को ये बोला कि ज़रा उनको इस बात के बारे में आप कहें और वो हमारी जो ये समस्या इस रोड की है ये करें। उसके बाद यहाँ जो पानी की हालात है, इतनी खतरनाक हालात है कि आज हम एक पानी पीने के काबिल नहीं मिल रहा है यहाँ। और माल मवेशी हमारा जो यहाँ पहाड़ी का इलाका है, यहाँ पानी हमें तकरीबन 6-7 किलोमीटर दूर पर पानी मिलता है, तो हम बहुत मजबूर हैं इस बात से। तो मैं जनाब डॉक्टर साहब से कहूँगा कि हमारी मदद की जाए। और जो ये PHE का निज़ाम है, ये बहुत पहले एक सर्वा हुआ था यहाँ, जो ठालका से कुमिल्ला कोट, राजपुर कुमिल्ला कोट के लिए एक प्रोजेक्ट बना था, उसके ऊपर आज तक इन्होंने कोई काम नहीं किया। हमें तो टरकाते हैं जब जाते हैं, भाई ये अब हो जाएगा, ये अभी टंडल होने वाले हैं, अभी ये है, अभी वो है, आज तक कुछ नहीं। जो पहले 1990 की एक स्कीम बनी थी यहाँ, तकरीबन को 5,000 गैलन की एक टेंकी बनी थी, उसमें तो पानी उसमें भी नहीं आता है, पीछे से कभी मोटर ख़राब, कभी कुछ, कभी कहते हैं लाइट नहीं ठीक। तो इतनी खस्ता हाल है, पानी की वजह से हम इतने मजबूर हैं। तो हम सबसे ज़्यादा डॉक्टर साहब से मैंने तो यही रखा है पॉइंट कि हमारा पानी और हमारी जो ये रोड का मसला है, ये सबसे ज़्यादा हमारा हल किए जाए, और हम बहुत मजबूर हैं इस बात के ऊपर। और मैं जनाब डॉक्टर साहब का शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि उन्होंने मौके पर आकर इस रोड को भी देखा और पानी की हालात भी हमारी देखी, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। अभी तीसरा पूरा यहाँ का, इस इलाके का, वार्ड नंबर 6 का मैं 2 बार, एक बार इलेक्शन में आया हूँ, एक बार इलेक्शन जीतने के बाद में आया हूँ, और फिर दोबारा अब आया हूँ। अब ये जो हमारी कोविड की महामारी चली थी, इसके बारे में हालचाल पूछने के लिए आया हूँ, क्या हालात हैं इस इलाके के वो देखने आया हूँ। साथ में जो गरीब लोग पहाड़ों में जो रहते हैं, मैं इनके रहन सहन, इनको तकलीफें क्या हैं, उनका जायज़ा लेने के लिए भी आया हूँ। इन्होंने पहले भी मुझे ये बोला है, इस रोड के लिए बोला है, मैं अभी आया हूँ, गाड़ी लेकर आया हूँ, बहुत मुश्किल से यहाँ पर पहुँचा हूँ, बहुत खस्ता हालत है। इन्होंने बोला है कि ये नाबार्ड को दी गई थी, तो मैंने इनका पॉइंट नोट किया है, तो मैं जाके अपने आदरणीय जो एक्सीडेंट साहब हैं उनसे बात करूँगा, इसका मैं पूछूंगा कि ये कहाँ तक मसला पहुँचा है, ये कम्प्लीट होनी चाहिए, इसकी नालियाँ भी बननी चाहिए, ब्लैक टॉपिंग भी होनी चाहिए। एक हमारे यहाँ पर पानी का इतनी समस्या है, पानी लोग 3-3, 4-4 किलोमीटर दूर से लाते हैं, तो मैं सरकार से गुजारिश करूंगा कि इस इलाके के लिए कम से कम 4-5 हैंडपंप जरूर मुहैया करें, जो कि ये इनको जल्द से जल्द सहूलत मुहैया की जा सके। उस PHE वालों को मैं गुजारिश करूंगा कि ये कनेक्शन जो इन्होंने बोला है कि यहाँ टूटे हुए हैं कनेक्शन, पाइपें बिछी हैं लेकिन जॉइंट नहीं पड़े हुए, तो मैं अभी जाके कल ही उनको बोलूँगा कि भाई बंदा डिब्यूट करो, उन कनेक्शन को जोड़ो, पानी बहाल करो, सप्लाई बहाल करो। और ये जो प्रोजेक्ट की इन्होंने बात की है उसकी भी मैं लेटेस्ट सिचुएशन पता करूँगा क्या है।